हॉलीवुड एक्ट्रेस निया शर्मा आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। निया शर्मा को किसी खास पहचान की जरूरत नहीं है। निया का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आता है। टीवी की संस्कारी बहू से लेकर खतरों के खिलाड़ी की विनर तक निया ने हर बार कमाल करके दिखाया है। तो आइए आज निया के जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। निया शर्मा का जन्म 17 सितंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। निया का असली नाम नेहा शर्मा है। निया ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से की है। निया ने दिल्ली के जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निया माया नगरी मुंबई में आ गई। निया ने शो काली से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इस शो से निया को ज्यादा शोहरत नहीं मिली। इसके बाद निया स्टार प्लस के शो 1000ों में मेरी बहना में नजर आई थी। इस शो में उन्होंने मानवी का रोल निभाया था। इस शो के जरिए उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान मिली। इस शो के बाद निया जी टीवी के शो जमाई राजा में नजर आई थी। इस शो में एक्टर रवि दुबे उनके साथ नजर आए थे। वहीं निया ने रोशनी का किरदार निभाया था। इसके अलावा वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 का हिस्सा भी रह चुकी हैं। वहीं हाल ही में निया ने खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया के विनर का खिताब जीता है। अपने बोल्ड अंदाज और जबरदस्त फैन फॉलोइंग की वजह से निया ने साल 2007 में एशिया की दूसरी सबसे सेक्सी महिला का खिताब जीता। इस दौड़ में उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को पीछे छोड़ा था। टीवी शोज के अलावा निया विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ट्विस्टेड में भी नजर आ चुकी हैं। इस वेब सीरीज में निया ने कई बोल्ड सीन्स दिए हैं, लेकिन एक सीन काफी चर्चा में रहा। दरअसल इस वेब सीरीज में निया अपनी को स्टार ईशा शर्मा के साथ लिप लॉक करती नजर आई। इस सीन ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी। निया शर्मा हाल ही में एकता कपूर का शो नागिन 4 में नजर आई थी। इस शो में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।